अस्सलाम वालेकुम, कैमरामैन मोहम्मद उसामा के साथ मैं हूं किंजा रुखसार। आप सबकी फैसलाबाद की पुकार लिए मैं आप सबके चैनल पुकारो पाकिस्तान के साथ हाजिर हूं। इस वक्त हम खुड़ियांवाला पे मौजूद हैं, जहां पर इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैली निकाल रही है, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। और हम उस रैली को कवरेज करने आप तक पहुंचाने आए हैं। यहाँ पर मिर्ज़ा हसन यासीन, हम उनके डेरे पे मौजूद हैं। यहाँ से रैली निकलेगी और हम उनके साथ साथ जाएंगे और आपको लम्हा बा लम्हा दिखाते रहेंगे। इस वक्त हम डेरे पे मौजूद हैं, अगर मेरा कैमरामैन पीछे दिखा सके के डेरे पे। और यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, गाड़ियाँ काफ़ी हैं, काफ़ी रश हो चुका हुआ है। अभी लोग आ रहे हैं, फिर जैसे जैसे यहाँ से रैली निकलेगी हम साथ साथ
हम साथ साथ कवरेज करते रहेंगे। तो मेरा कैमरामैन अगर सारा दिखा सके, ये हम इस वक्त डेरे के अंदर मौजूद हैं और जैसे यहाँ से रैली निकलेगी हम इसके साथ चलेंगे और आपको लम्हा बा लम्हा दिखाते रहेंगे और यहाँ के लोगों से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे कि इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। जिस मोहम्मद को लेकर ये रैली निकाल रहे हैं तो उनका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और वो किस हद तक आए रोज़ ये रैलियाँ निकल रही हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, ये किस हद तक कामयाब हो रही हैं और कहाँ तक ये कामयाब होंगी। आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा दे कि मिर्ज़ा हसन यासीन यहाँ पर आ चुके हैं तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी बात करेंगे हम। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप यहाँ से आज रैली निकाल रहे हैं इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, तो आए रोज़ ये रैलियाँ निकल रही हैं, ये कहाँ तक कामयाब हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याकनाबुदू याकनासाइन। सबसे पहले मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर तशरीफ़ लेके आई हैं और ये इस बात का सबूत है कि मेरी बहनें भी जो हैं वो भी किसी से कम नहीं है, वो शाना बशाना है मर्दों के। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी बात, आपने कहा कि आए रोज़ ये रैलियाँ निकल रही हैं, आए रोज़ निकलती होंगी, लेकिन जो रैली आज निकलेगी पूरे फैसलाबाद ने देखी होगी। तो ये रैली इंशाल्लाह वाकई में इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, इन इदारों को ये बताएगी कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान की आवाम का दिल इमरान खान के दिल के साथ धड़कता है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में एक ही लीडर है, उसका नाम है इमरान खान, जो आपके और हमारे बच्चों की फ़िक्र कर रहा है और आपके और बच्चों के हमारे फ्यूचर की खातिर जिसने गोलियां खाई हैं, और आज भी वो शेर की तरह मर्द का बच्चा वहीं पे लाहौर में अपने घर में बैठा हुआ है, अल्लाह के फजल करम से भागा नहीं है। और इंशाल्लाह जब तक हमारी सांस में सांस है, जब तक इमरान खान जिंदा है, जब तक हम जिंदा हैं, इंशाल्लाह शाना बशाना इमरान खान के साथ इस जंग को लड़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर आप ये मिर्ज़ा हसन यासीन बेग। अच्छा सर, ये मुख्तलिफ हथकंडे तो अपना रही है, जैसे इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए भी कोशिश की जा रही है, मरियम नवाज़ इस वक्त वापस भी आ चुकी हैं, वो भी कोई ना कोई बाहर से प्लान लेकर आई हैं कि वो यहाँ आकर कुछ करेंगी, तो आपको क्या लगता है कि वो अब आकर क्या उनका नेक्स्ट प्लान होगा यहाँ? देखिए, एक प्लान वो है जो ये शैतान लोग कर रहे हैं, और ये मत भूलने की एक प्लान वो है जो सबसे बड़ा प्लानर है, वो है मेरा अल्लाह, और उसकी प्लानिंग पहले भी चली है, आज भी उसकी प्लानिंग चलेगी। ये मरियम शरीम, ये सारे नवाज शवाज, ये जरदारी मरदारी, अल्लाह के फजल करम से अवाम ने तो कल ही उसका मरियम का प्लान रिजेक्ट कर दिया। जब वो वापस आई है तो कितने लोग थे वहाँ पर, उससे कई गुना ज़्यादा लोग थे इधर मेरे डेरे पे अभी मौजूद। वेलकम तो बड़ा ताज, सोने का ताज पहना के। सोने के ताजों से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत मेरे अल्लाह के देने से मिलती है। सोने का ताज था उसके सर पर, लेकिन आप ये बताएं वहाँ पर लोग कितने थे। आज आपको ये रैली आप देखेंगे इंशाल्लाह तो आपको पता चल जाएगा कि मरियम नवाज़ को कहोगे इमरान खान के तो जूता तो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। पहले आए उसका एक सिपाही है मिर्ज़ा हसन बेग, आओ पहले इसका मुकाबला करो, उसके बाद देखेंगे कि तुम इस काबिल हो कि तुम इमरान खान का मुकाबला कर सकती हो कि नहीं। तो सर ये गिरफ्तारी जो करना चाह रहे हैं, अगर ऐसा हो गया इमरान खान गिरफ्तार हो गए, वरना तो पिछली बार जब करने गए थे तो उनके कारकुंस उनके सिपाही आकर उनके लिए खड़े हो गए थे, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो आपका आगे क्या लाहे अमल होगा? आप ये सब जो हैं आप साथ खड़े रहेंगे इमरान खान के साथ? देखिए मेरी बहन, पहली बात तो ये कि ना ये इमरान खान को पहले हाथ लगा सकें हैं, ना ही अब लगा सकेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर जितने आप चेहरे देख रही हैं, जवान बच्चे बूढ़े, मेरी माएँ मेरी बहनें, ये सब इमरान खान के टाइगर्स हैं, ये सब उसके जान निसार हैं, उस पर जान निछावर करने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान पाकिस्तान पर जान निछावर कर रहा है। डेली के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रिक्ट सिटी के हम 500-1000 बंदा वहाँ पर जा रहे हैं, और इंशाल्लाह देखेंगे आज मैं यहाँ से रैली करके सीधा वहीं पे जा रहा हूँ लोगों को लेके, देखेंगे कौन इमरान खान की तरफ मैली आंख से देखता है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू वेरी मच।